कौन सा बुक है? ए रिच डैड पुअर डैड। वैसा तो नहीं होते हैं, वैसा तो साथ आ गया है मौसम, इसलिए पूरा आयरन कर। नमस्कार, अभी दोपहर का लगभग 3 बज रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं आज का न्यू ब्लॉग में, आप सबका स्वागत है। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने हुए रहिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये साइड में देखिए मेरे वाइफ क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है। बुक कौन सा बुक देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मेरी वाइफ कौन सा बुक पढ़ रही है, कब से पढ़ना लिखना शुरू कर दी है। कौन सा बुक है? रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड पढ़ाई शुरू कर दी है, तो क्या करेंगे, अब इसका भी पढ़ना जरूरी है। ये बुक रिच डैड पुअर डैड है, आप लोग भी बहुत पढ़िएगा, हम पढ़े बहुत अच्छा हमको लगा। अगर आप लोग कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट उमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो जरूर आप लोगों को बताएंगे। रिच डैड पुअर डैड कहानी बहुत अच्छा है और विशेषकर सबके लिए अच्छा है। तो चलिए देखते हैं, अब मेरी वाइफ जा रही है आयरन मारने, तो आयरन वगैरह सब पूरा करने जा रही है, आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए बने हुए रहिए वीडियो पर। टूट जाएगा यहाँ पर मेरे बच्चे, पूरा नेट को मच्छरदानी को एकदम पूरा पकड़ के खींच रहा है, जिसको हम छुड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, इतना जबरदस्त। ऐसा कोई पहलवानी करता है क्या? देख सकते हैं करता है क्या? मेरा बेटा पूरा पहलवानी करता है, एकदम पूरा मच्छरदानी को फेंक देता है। और इधर देख सकते हैं मेरे पापा अपने नाती को कैसा खिला रहे हैं, एकदम पूरा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी पूरा पहलवान है, पूरा खड़ा हो जाता है, 4 महीना का है फिर भी बहुत रोता एकदम नहीं है। अब इधर मेरी वाइफ आयरन कर रही है बेबी के लिए, बाबू का पूरा आयरन कर रही है। बरसात आ गया है मौसम, इसलिए पूरा आयरन कर रही है, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। अगर यदि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप सभी को मिलते हुए रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।